दोस्तों एक चौंकाने वाला सच मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आई होप आप यहां पे अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई अब सीजन आने वाला है और बहुत से भाई ये जानना चाहते हैं कि भाई मोनोकाइट जो कि एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है, जिस कंपनी ने इंडिया में स्टार्टअप किया था मोनोकाइट ने, तो वो 2022 में क्या पैकिंग लेके आई है। बहुत से भाई सोच रहे हैं कि भाई मोनोकाइट हमें ओरिजिनल 2022 में कैसे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी चीज को दूर करने के लिए मैं आज सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने वाला हूं कि 2022 में मोनोकाइट को हम कैसे देखें, कैसे पहचाने एंड उसके अंदर कितना मीटर मान जाएगा और उसका रिव्यू टोटल कैसा होगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा 2022 में कंपनी ने मोनोकाइट को किस तरीके से लॉन्च किया है, ठीक है ना। मुझे काफी डीएम आ रहे थे, काफी आपके कमेंट आ रहे थे कि भैया 2022 के ऊपर वीडियो लाइए, 2022 में मोनोकाइट के ऊपर वीडियो लाइए, ताकि हमें पता लगे कि ओरिजिनल आखिर होता कैसा है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं भाई 2022 का मोनोकाइट। अभी मजा आएगा ना वीडियो, काफी इंजॉयफुल तरीके से होने वाला है वीडियो। चलिए दोस्तों देखते एक बार इसका फुल रिव्यू, ठीक है, आइए वीडियो। दोस्तों अभी आप सामने की तरफ देख सकते हो, तो ये मोनोकाइट का भाई यहाँ पे ओरिजिनल गट्टू रखा है। तो हम सबसे पहले इसकी यहाँ से पैकिंग की बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको उसका पूरा रिव्यू दिखाऊंगा कि ये एक तरीके से ओरिजिनल कैसे हम पहचान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं इसका। दोस्तों सामने की तरफ आप देख सकते हो भाई यहाँ पे मोनोकाइट लिखा है, ठीक है ना, और एक स्पूल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक होलोग्राम। इस होलोग्राम के बारे में अभी बात करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ। अगर आप गट्टू ले रहे हो यहाँ पे, अगर आपको कोई ऐसा फोटोकॉपी जैसा कुछ महसूस हो या फिर कलर फेड हो, तो आप उसको मत लीजिएगा दोस्तों, वो आपको सीधा सीधा उल्लू बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है चेक फॉर वन लकी कूपन इन द स्पूल, ये एक यहाँ पे आपको निशानी देखने को मिल जाएगी, इस तरीके की यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं इसमें होलोग्राम में क्या लिखा हुआ है। जो इसका होलोग्राम है उसमें लिखा है ओरिजिनल 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 करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल ही करके नजर आ रहा है। अब दोस्तों गट्टू की इस वाले साइड की बात करते हैं, ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा यहाँ पे था, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ चेंज इन्होंने किया है नहीं किया है, इस वाले होलोग्राम में कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ओरिजिनल 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 करके यहाँ पे सेम टू सेम होलोग्राम है, जैसे इसके इस साइड में होलोग्राम था ऐसे इसके सेम टू सेम इस वाले होलोग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सामने की तरफ, ठीक है, और भाई कलर देखिए जरा आप, कलर मैंने ये मंगवाया पर्पल वाला, जो दोस्तों एक कलर है पर्पल वाला मैंने मंगवाया, क्योंकि यार मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट कलर ये है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है इस वाले कलर से पतंगबाजी करते वक्त। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट है, मोनोकाइट हो चाहे मोनोफिल गोल्ड हो, मोनोकाइट फाइटर हो, ठीक है ना, वो कभी भी हार्मफुल नहीं होते हैं। मैंने भाई इस चीज़ के ऊपर काफ़ी चीज़ें देखी है, ठीक है ना, जो लोकल होते हैं वो तो थ्रेड टूटती भी नहीं है, लेकिन ये थ्रेड आसानी से टूट जाती है, इस चीज़ को भी मैंने प्रूफ किया है एक वीडियो में, ठीक है, वो वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है, देखना आप उसको। यहाँ पे अब हम सामने पैकिंग की बात करें तो यहाँ पे मोनोकाइट करके यहाँ पे लिखा होगा, और यहाँ पे जो कलर है ये ग्रीन, ठीक है ना, हल्का ग्रीन कलर है, और एक स्पूल यहाँ पे ब्लू कलर की छपी होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मूव करते हैं, इस वाले होलोग्राम की भी बात करेंगे हम, ठीक है। अभी पहले हम इसको थोड़ी सी और देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक आपको एक राइटिंग देखने को मिल जाएगी, यू कुड विन एन एक्साइटिंग गिफ्ट इफ यू फाइंड एंड विनिंग कूपन इन द स्पूल। याद रखे दोस्तों जो ये यहाँ पे राइटिंग लिखी हुई है, ये यहाँ पे इतनी इतनी ही लिखी होनी चाहिए, यानी कि ये वाली चीज आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ इसकी ओरिजिनलिटी के। अब सामने की बात करते हैं, कलर देख लीजिए बाइक का कैसा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू और एंड वाइट कलर इन्होंने बाइक का दिया है, बहुत ही अच्छी शाइन कर रही है बाइक भी इनकी, ठीक है। इनकी जो टी शर्ट का कलर है दोस्तों वाइट है, कैप वाइट है, और ये जो घड़ी है, स्पूल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है, टैबलेट यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे स्पूल प्रिंट किया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो स्पूल का जो प्रिंटेड है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है गट्टे पे, ये बिल्कुल भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ये यहाँ पे ही आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स दोस्तों ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदने में। अब सामने की तरफ आप देख सकते हो मोनोकाइट किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर एक स्पूल यहाँ पे प्रिंट है, और यहाँ पे कुछ बच्चे आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं, और मेड इन इंडिया, भारत में उत्पादित, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइनीज मांजा नहीं है, ठीक है, ये देखिए दोस्तों। अब इसके होलोग्राम की बात करते हैं भाई,
होलोग्राम देख सकते हो दोस्तों, इसका मोनोकाइट यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है और पीछे भी इनमें छोटे छोटे अक्षरों में मोनोकाइट लिखा हुआ है। ये इसका मेन होलोग्राम है दोस्तों, बीच में जो लिखा होता है। तो आप ओरिजिनल अगर प्रोडक्ट ले रहे हो तो जो जो मैंने आपको इसमें पॉइंट्स बताए वो ही होने चाहिए। बीच का होलोग्राम कैसा होना चाहिए, ऊपर के दोनों होलोग्राम कैसे होने चाहिए और पैकिंग कैसे होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। वो मैंने आपको सारी चीज़ में डिटेल्स में बता दी है। अब मैं मांझे में अगर आपको काम की बात दिखाऊं तो मांझे में काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है दोस्तों। अभी मैं इसको अनबॉक्स इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसकी टेस्टिंग भी करूंगा और इसको इंडोनेशिया वाले के साथ में भी फाइट करके दिखाऊंगा, ठीक है। जो इंडोनेशिया के पॉपुलर ब्रांड है लाइक स्मैशर है, राजा मस्ती है, प्रीडेटर है, पैराडाइज है और खुद ड्रिपेंजर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके साथ में मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। विद मोनोकाइट फाइटर के साथ में इसकी टेस्टिंग करूंगा, मोनोफिल गोल्ड के साथ में इसकी टेस्टिंग करूंगा, तो पता लगाएंगे कि ये कितना बेहतरीन मांझा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं इसका टेस्टिंग जल्दी लेके आऊँगा और फिर इसको हम दूसरे मांझों के साथ में कंपेयर करेंगे कि ये मांझा कितना कारीगर है, नहीं है, ठीक है ना। तो भाई ये था इसका आज का रिव्यू, मेन रिव्यू ये था इसका। तो अगर आप 2022 में कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, मोनोकाइट ओरिजिनल ले रहे हो, तो भाई आप ले सकते हो, ये वाली पहचान करके ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आपको इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक चौंकाने वाला सच मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, पहले 2021 में 6000 मीटर डोर आती थी इसमें, समझ रहे हो, 6000 मीटर डोर आती थी, लेकिन कंपनी ने इस बार कम कर दी है, ठीक है, इस बार कम कर दी है क्योंकि माल बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसमें 5000 मीटर फेड उन्होंने दी है। अब ये जो गट्टा है ये भाई कम से कम 800 ग्राम का है, कम से कम 800 ग्राम का, बहुत भारी है ये, बहुत भारी मुझे महसूस हो रहा है, मतलब कि 5000 मीटर इसमें आता है, मतलब कि 5 रील इसमें आती है। 2022 के अंदर अगर आपको ये कोई कह के देख रहा है कि इसमें 6 रील आएगी नहीं जी, इसमें तो 7 रील आएगी नहीं जी, इसमें 8 रील आएगी, तो बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें 5000 मीटर आता है। अब पता नहीं आगे प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन इस साल तो ये प्रोडक्ट आ रहा है ओरिजिनल, इस तरीके से मिलेगा आपको जो मैंने आपको इसमें पहचान बताई है, ठीक है भाई। तो दोस्तों देख लिया आपने इसका ओरिजिनल रिव्यू कि कैसा होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला 2022 के अंदर। तो भाई अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये कोई चाइनीज मांझा नहीं है और इससे किसी की जान नहीं जाएगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्योंकि ये चीज़ मैंने एक वीडियो में प्रूफ कर दी है, ठीक है। प्लास्टिक ओरिजिनल वर्सेस लोकल थ्रेड, ठीक है, वो वीडियो बहुत जल्दी आएगा मेरा, देखना आप उस चीज़ को भी, ताकि आपको पता लगेगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है और उनकी स्ट्रेंथ कितनी मजबूत होती है। क्योंकि बहुत से लोग बदनाम करते हैं ना इन चीज़ों को कि यार ये तो चाइनीज मांझा है, इससे तो गले कटते हैं, ठीक है ना भाई। लोकल मांझों से गले कटते हैं, जो लोकल प्लास्टिक थ्रेड होती है, कम पैसे के चक्कर में दोस्तों कुछ भी उठा के ले आते हैं, लोकल थ्रेड लेके आ जाते हैं, फिर लोगों के गले, पक्षियों के गले, पता नहीं क्या क्या कटता है। प्लीज़ दोस्तों अगर आपके बस की पतंगबाजी नहीं है तो भाई प्लीज़ लोकल थ्रेड का सहारा मत लीजिए, कम पैसों के चक्कर में कुछ भी मत खरीद के आइए। अगर आपको लेना है तो ओरिजिनल थ्रेड लीजिए, इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। ये मैं 2021 से कहता हुआ आ रहा हूँ, बहुत से भाइयों ने ट्रस्ट भी किया और उन्होंने इस मुकाम तक मुझे आज पहुँचाया कि आज भाई लोग मेरी बात सुन रहे हैं। लेकिन बहुत से भाई है कि वो सुनते ही नहीं है, वो कम पैसों के चक्कर में कुछ भी ले आते हैं। भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर भाई आप रहने दीजिए पतंगबाजी को, ठीक है ना। डोंट यूज़ एनी लोकल थ्रेड बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल, ठीक है। अगर आपको खरीदना ही है तो भाई ये ओरिजिनल थ्रेड खरीदिए, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी फोर्स नहीं है कि आपको ये थ्रेड खरीदनी है, ठीक है ना। आपका मन करे खरीदिए, आपका मन नहीं करता मत खरीदिए, वीडियो देख के बस मजे लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए तो डीएम कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। सो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मैं भी मिलता हूँ आपको किसी जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत।